नेक्स्ट एकेडमिक टेस्ट। सॉरी टू से ऑल दोस्त जो कि हमारे पेड ग्रुप में शामिल नहीं है, मैं आपको एकेडमिक के लिए अभी तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट आप हमारे यूट्यूब एजु स्मार्ट चैनल पे चले जाओ, वहां पे जो वीडियोस पिछली अपलोडेड हैं या न्यू में भी शायद मैं एक दो तीन वीडियो अपलोड करूं उसको देखो, उसमें जो टॉपिक्स बताऊंगा वो कर लेना, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। एकेडमिक के लिए मेरी तरफ से दुआ है। अब आ गया हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, होगा या नहीं होगा, हम इसको टच जरूर करें ताकि अगर ये हो तो अच्छे तरह से हो, और अगर ना हो तो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में रहे, कहीं ना कहीं काम आएंगे। ठीक है, अलीशा शहजादी कह रही है सर यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दें ग्रुप में। इट मीन्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से आ गए डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे और आपने चैनल का नाम भी नहीं देखा, सो सैड। आपको मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं और आपने अभी तक अपना नाम भी नहीं देखा, हमारे चैनल का नाम क्या है। इतना बड़ा मैंने लोगो लगाया हुआ है और आपने अभी तक लोगो भी नहीं देखा अलीशा। जस्ट एजू स्मार्ट लिखो यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, जहां पे भी एजू स्मार्ट लिखोगे वहां पे आपका ये नाचीज सर जो कि बड़ी चीज है वो नजर आ जाएगा। ओके। स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली स्लाइटली डिसएग्री, डिसएग्री न्यूट्रल एग्री, स्लाइटली एग्री या स्ट्रॉन्गली एग्री, ये ऑप्शंस होते हैं पेपर में पर्सनैलिटी टेस्ट की। आपने एक चीज याद रखना है कि कभी भी आपने न्यूट्रल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, सादिया नवाज आपको कुछ नहीं पता, न्यूट्रल आंसर बेटा आपने कभी नहीं लगाना। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई करें कि आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस के जवाब हों वो डिसएग्री और एग्री। ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे पर्सनैलिटी टेस्ट। न्यूट्रल ऑप्शन बेटी आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, ज्यादातर जो आपका ऑप्शन सिलेक्ट होगा वो होगा एग्री और डिसएग्री। ठीक है, इन दोनों के दोनों पे आपके जो जवाब हैं वो ज्यादा होने चाहिए, बाकी सब पे आपके जवाब बिल्कुल कम। अब व्हेन फेस्ड विद द डिफिकल्ट डिसीजन आई टेंड टू क्राई फास्ट, जब मैं फेस करती हूँ कोई डिफिकल्ट फैसला तो मैं जल्दी रोना स्टार्ट कर देती हूँ। अब सिंपली यहां से हमें नजर आ रहा है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। कुछ लोग इसका जवाब स्ट्रांगली डिसएग्री देंगे, कुछ डिसएग्री देंगे, कुछ एग्री भी देंगे, सबका जवाब दुरुस्त है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने क्राई फास्ट वाले क्वेश्चन का जवाब अगर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री दिया तो इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, सबका जवाब स्ट्रॉन्गली डिसएग्री देंगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? एक क्वेश्चन का जवाब एक जैसे 5 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में पर्सनैलिटी, एक का जवाब अगर आपने डिसएग्री दे दिया तो सबका जवाब फिर आपने डिसएग्री देना है उस जैसे जो क्वेश्चन। इस बात की जिस चीज को समझ आया वो मुझे जरा बता दे, यस लिख दे अगर आपको समझ आई है तो।
यस ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई इंजॉय टेकिंग ऑन लीडरशिप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं इंजॉय करती हूँ जब मैं लीडरशिप रोल्स लेती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हूँ, बिकॉज आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं एक लीडरशिप क्वालिटीज रखने वाला बंदा हूँ, ये वो ये सारी चीजों वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब जो आपने मतलब एग्री देना है, स्ट्रॉन्गली एग्री देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले क्वेश्चन का जवाब स्ट्रॉन्गली एग्री दे दिया, तो रिस्पॉन्सिबल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका जवाब आपने स्ट्रॉन्गली एग्री ही देना है, एंड दैट्स ऑल। ये था आपका आज का डेमो लेक्चर, और सारे बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 1 जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे अंदाज से डिस्कस कर लिया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू हैव ओनली 8 मिनट्स। एंड ऑल्सो यू कैन ओपन योर माइक नाउ, बट एक एक बच्ची करके क्वेश्चन पूछे। जी।